हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम AERC के आउटडोर को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो पहले हमने किया था। बाद में यहाँ पे ये चीज़ बनाने के लिए हम लोगों ने उसे फिर से निकाल दिया। अभी हम फिर से इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आउटडोर और ये हमने स्टैंड बनाया है कुछ इस तरह से। अभी हम स्टैंड को नीचे रख देंगे और उसके ऊपर आउटडोर को बैठा देंगे। और आप देख सकते हैं, इसके पाइपिंग के अंदर हमने ये जो ड्रायर फिल्टर है इसे लगाया है और इंडिकेटर को लगाया है। ये ड्रायर फिल्टर 084 नंबर है और ये फ्लेयर टाइप है। इसमें दो टाइप आते हैं, एक ब्रेजिंग टाइप होता है और ये है जो फ्लेयर टाइप है। उसके बाद इसका पाइप साइज़ है 1/2-3/4, जो हमने सॉफ्ट पाइप यूज़ किया है। ये जो लिक्विड इंडिकेटर है, ये ब्रेजिंग टाइप है। तो चलिए अभी आउटडोर को सेट करते हैं। ये आउटडोर का एयर फ्लो टॉप साइड में है, इसलिए हमें शॉर्ट साइकिलिंग की कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका कंप्रेसर यहाँ पे बीच में है। अगर हमें फ्यूचर में कंप्रेसर को चेंज करना है, हमें ऊपर के पत्रे को निकाल देंगे और ऊपर की तरफ कंप्रेसर को निकालेंगे, क्योंकि साइड से इससे कुछ भी जगह नहीं है। इस यूनिट का एक्सपांशन वाल इंडोर के अंदर है, इसलिए हमने लिक्विड लाइन के ऊपर इंसुलेशन नहीं लगाया है, क्योंकि ये लिक्विड लाइन गर्म होती है। लकड़ी संभालो। ओके, ले लो ले लो, ये इधर करो। तो दोस्तों, अभी हमने आउटडोर को सेट किया है, अभी हम इसका फ्लेयर लगा के लेते हैं। तो सबसे पहले हम सक्शन को लगा देंगे, बाद में पाइपिंग को थोड़ा फ्लश कर देंगे और उसके बाद हम डिस्चार्ज को लगा देंगे, ताकि पाइपिंग के अंदर कोई भी मिट्टी और रहेगी तो निकल जाएगी। फ्लेयर को हम जितना हो सके उतना हैंड टाइट करेंगे और बाद में स्पैनर को यूज़ करेंगे। तो अभी हमने सक्शन का फ्लेयर लगाया है, हम थोड़ा इसे लाइटली टाइट करते हैं।
और बाद में हम इसे फ्लश कर देंगे। तो फिलहाल हमने इसे फ्लश किया है, अभी लिक्विड लाइन को हम लगा देते हैं। लिक्विड लाइन को भी हम हैंड टाइट करेंगे। जब ये हैंड टाइट होएगा उसके बाद हम एडजस्टेबल की सहायता से इसे फुल टाइट कर देंगे। हम इसे दो एडजस्टेबल की सहायता से टाइट करेंगे ताकि वॉल ख़राब ना हो जाए। अगर आप सिर्फ एक एडजस्टेबल यूज़ करेंगे तो ये वॉल टेढ़ा हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल तो हमने इसे इंस्टॉल किया है, लेकिन उसके बाद हम जो स्टैंड है उसके नीचे रबर पैड को रखने वाले हैं। और अभी यहाँ पे पावर सप्लाई भी रेडी नहीं है, इसलिए हम आगे कुछ काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब भी पावर सप्लाई रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसे पावर सप्लाई देंगे और वैक्यूम करेंगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं। इस चैनल पे हम सिर्फ ऑफलाइन वीडियो को अपलोड करेंगे। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।